गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय आपको पढ़ा रही थी, उसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको नागरिक शास्त्र का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति के बारे में बताया। इस वीडियो में हम वर्णन करेंगे नागरिक शास्त्र के क्षेत्र का, नागरिक शास्त्र के क्षेत्र का। सामाजिक अध्ययन के लिए मैंने कहा था कि नागरिक शास्त्र क्या है, हमारा सामाजिक अध्ययन की एक शाखा है, क्योंकि उसकी जो विभिन्न विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे मैंने बताया कि जो इसकी विभिन्न शाखाएं थी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, इन रूपों में जब इनका विभाजन किया गया, तो उसी में ही जो राजनीतिक शास्त्र की जो शाखा है, उसी के अंदर या उसी का ही रूप हमारा क्या है, नागरिक शास्त्र है। ये शास्त्र क्या होता है, जैसे हम ये कहें कि ये शास्त्र हमारे समाज के जो विभिन्न पक्ष होते हैं उनसे ये जुड़ा हुआ होता है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि नागरिक शास्त्र का अर्थ यानी नगर या राज्य के नागरिकों से होता है। इसमें हम यही देखते हैं कि ये बहुत संकुचित सा इसका अर्थ है, जैसे जैसे हमारे जो नागरिक होते हैं वो राज्य के, जो हमारे देश के राज्य के नागरिक हमारे इसकी शासन व्यवस्था में भी अपना एक हिस्सा होता है। कहते हैं ना कि नागरिकों का हमारे इसमें सबसे अहम, क्योंकि हमारे जो देश की लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें नागरिकों की अहम भूमिका है अपने शासन को चुनने की, शासक को चुनने की। तो इसमें उसी नागरिक के वर्णन किया गया है कि कौन कौन से हमारे इस नागरिक शास्त्र के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जिसके द्वारा हम इनका वर्णन करते हैं। तो हम जानते हैं कि नागरिक शास्त्र जो हमारी पॉलिटिक्स, जो राजनीतिक विज्ञान है उससे संबंधित है, और ये भी हम देखते हैं कि हमारे जो समाज होता है उससे ये जुड़ा हुआ होता है। नगर यानी कि सबसे पहला हिस्सा, हम ये कहें कि सबसे जो इसके प्रथम भाग जो होता है क्षेत्र, वो हमारी जो सबसे छोटी इकाई परिवार से ये हमारा इसका क्षेत्र शुरू होता है। इसके लिए हमारे जो डॉक्टर ईएम वाइट है, उन्होंने लिखा है कि नागरिक शास्त्र न्यूनाधिक रूप से मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिकों के सभी यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक सभी पक्षों का क्या करता है, वो प्रतिपादन करता है, उन सभी पक्षों का वो वर्णन करता है, उसको वो नागरिक शास्त्र मानते हैं। कि नागरिक शास्त्र वह है जो सभी न्यायिक रूप से निम्नलिखित छोटे छोटे से रूप को, वो उसके प्रत्येक पक्ष को वो देखते हैं, वो एक नागरिक शास्त्र होता है। अब हम देखेंगे कि जो नागरिक शास्त्र का क्षेत्र है वो सभी ने अलग अलग बताया है कि नागरिक शास्त्र के क्षेत्र कौन से हैं। अब हम इसे सामान्य भाषा में देखते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारा शुरू होता है नागरिक शास्त्र का क्षेत्र, वो कहाँ से शुरू होता है, परिवार से। यानी कि प्रथम सीढ़ी हमारी क्या है, परिवार। परिवार के बाद में हम किससे मिलते हैं, पड़ोसी, यानी कि जो हमारे आस पास रहते हैं। हम परिवार के बाद में किससे मिलते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं। आसपास के बाद में हमने देखा है कि जब हम थोड़े हमारे पड़ोसी से मिलकर हम थोड़ा आगे निकलते हैं तो जिस जगह हम रहते हैं हम उन्हीं के लोगों से घुलते मिलते हैं, यानी कि स्थानीय क्षेत्र या हम कहें स्थानीय समुदाय। तीसरा हमारा होता है स्थानीय समुदाय। स्थानीय यानी पहले परिवार, फिर पड़ोसी, और फिर हमारा जो क्षेत्र, जिस जगह हम कहते हैं, चाहे हम किसी गांव में, कस्बे में हम रहते हैं, वो हमारा स्थान, जिस जगह हम रहते हैं वो हमारा स्थानीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम स्थानीय क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, स्थानीय क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो हम कहां जाते हैं, जिला स्तर पर, जिला स्तरीय। यानी कि परिवार के बाद में हमारे आसपास रहने वाले लोग, आसपास रहने के बारे में हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र के अंतर्गत हम आते हैं, वो स्थानीय लोग, उन स्थानीय समुदायों से हम मिलते हैं, वहाँ के लोगों से हम मिलते हैं। उसके बाद में हम कहाँ जाते हैं, स्थानीय समुदाय के बाद में थोड़ा हम आगे जाएं तो जिला स्तर, हमारे जिस जिले में जितने लोग रहते हैं हम उनसे, यानी
नागरिक शास्त्र में हम किस किस तरीके से मिलते हैं। ये जिला स्तरीय, अब जिला स्तरीय के बाद में हमारा क्या होगा, प्रादेशिक, या हम राज्य बोल सकते हैं उसको, प्रादेशिक स्तरीय या राज्य, जिसको हम कहें कि जो हमारे स्टेट में बैठ पड़ते हैं, यही करते हैं ना हम। सबसे पहले हम हमारे परिवार से मिलते हैं, परिवार के बाद में हम जो थोड़ा बाहर निकलते, चाहे एक बच्चा ही हो वो खेलने भी बाहर जाएगा तो वो किससे मिलेगा, हमारे आसपास रहने वाले लोगों से, वो उन्हीं बच्चों के साथ खेलेगा जो उसके आसपास रहते हैं। आसपास के बाद में हम थोड़ा, चाहे हम जिस कस्बे में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, हम थोड़े बड़े होते हैं, हम बाहर निकलने लगते हैं, हम मार्केट भी जाएंगे तो वहां के लोगों से मिलेंगे, थोड़ा हम आगे जाएंगे, यानी कि हम उस स्थान से संबंधित रखने वाले लोगों से हम मिलना शुरू करेंगे। इसके बाद में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम हमारे डिस्ट्रिक्ट से निकलेंगे, यानी कि हम हमारे जिला के लोगों से मिलेंगे। उसके बाद में हम कहां जाएंगे, हमारे राज्य, जिस स्टेट में हम रहते हैं, हम उन लोगों से मिलना पसंद करेंगे। अब स्टेट के बाद में हम देखते हैं हम कहां हमारे देश से संबंध रखेंगे, हम राष्ट्रीय समुदाय। अब राष्ट्रीय समुदाय के बाद में, यानी कि हम हमारे देश तक सीमित, हम हमारे देश के लोगों से मिलते हैं। अगर हम देखें कि जब बच्चा, हम कई बार देखते हैं कि हम बहुत पढ़ लिख जाते हैं तो हम अपने देश से दूसरे देश में भी जाते हैं, या हम कहें कि हम ये जो एक बेसिक नॉलेज भी ऐसे ही हमारी बढ़ती है। सबसे पहले हम हमारे परिवार के बारे में जानेंगे, परिवार के बाद में हम हमारे स्थान के बारे में जानेंगे, फिर हम हमारे जिला के बारे में जानेंगे, राष्ट्र के बारे में जानेंगे, राज्य के बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम देखते हैं कि हमारी जैसे जैसे उत्सुकता बढ़ती है उस ज्ञान को लेने की, तो हम उसका वैश्विक, यानी कि हम पूरे विश्व समुदाय के आधार पर हम उसे मानते हैं और उस वर्ल्ड नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। लास्ट में हम किससे जुड़ते हैं, वैश्विक या हम उसे कहते हैं विश्व समुदाय। तो इसी तरीके से हमारा जो नागरिक शास्त्र का क्षेत्र होता है, कहते पहले छोटा है, फिर वो बढ़ता जाता है, तो ये हमारा ये रूप ले लेता है कि जिस तरीके से सबसे पहले नागरिक जो रहने वाले, हम खुद नागरिक, यानी नागरिक कौन, मनुष्य, कहते मनुष्य सबसे पहले जुड़ता, जन्म लेता है परिवार में, तो वो परिवार से जुड़ता है, परिवार से जन्म लेने के बाद में वो क्या करते हैं, अपने आसपास अपने समाज में रहने वाले लोगों से जुड़ता है, समाज में रहने वाले लोगों से जुड़ने के बाद में वो अपने स्थानीय लोगों से घुलता मिलता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम हमारे जिला, जिस जिले में हम रहते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि स्टेप टू स्टेप हमारा क्षेत्र बढ़ता हुआ चला जाता है। ये हमारे एक सामान्य तौर पर हम मानते हैं कि ये हमारे एक सामान्य, जैसे हम जनरल भाषा में अगर हम नागरिक क्षेत्र के जो क्षेत्र को समझें, तो ये हमारा बहुत इजी स्टेप होता है। अब इसी आधार पर हम देख सकते हैं कि जो नागरिक शास्त्र के जो क्षेत्र हैं उन्हें किस तरह से डिवाइड किया है। तो सबसे पहले नागरिक शास्त्र क्षेत्र, अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले मनुष्य क्या होता है, जो अपने परिवार और अपने समाज से जुड़ता है, तो वो क्या करेगा, वो ये चाहता है कि रहने, इसमें एक चीज है कि जो हमारा प्रथम टॉपिक है वो है स्वस्थ सामाजिक जीवन, ये इसका प्रथम है, स्वस्थ सामाजिक जीवन। सेकंड है हमारा जन साधारण के लिए उपयोगी, जो हमारे लिए उपयोगी होता है, हमारी जनता के लिए उपयोगी होता है। फिर आता है हमारा लोकतंत्र की सफलता के लिए, ये आता है। फिर लोकतंत्र की सफलता के लिए के बाद में आता है सजग जनमत, जो हमेशा तत्पर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, सजग जनमत, जो हमारी
जनता होती है सजग जनमत, सजग जनमत, सजग सजग जनमत के निर्माण में सहायक। फिर पहला है हमारा स्वस्थ सामाजिक जीवन, सेकंड है हमारा जनसाधारण के लिए उपयोगी, थर्ड है हमारा लोकतंत्र की सफलता के लिए, फिर है हमारा सजग जनमत के निर्माण में जो सहायक होता है, फिर है हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय हमारे यानी कि पहले जो समस्याएं होती हैं वो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान, समस्याओं का ज्ञान। फिर आता है हमारा जो नेतृत्व के विकास के लिए यानी कि जो समस्याएं होती हैं उनके नेतृत्व करने के लिए भी हमें चाहिए होता है नेतृत्व के विकास के लिए, यानी कि ऐसे कौन से जिसके अंदर क्षमता है जो इस तरह का नेतृत्व कर सकते हैं। फिर आता है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम की भावना ये हमें रखनी चाहिए कि पूरा विश्व हमारा क्या है परिवार है, इस भावना को लेकर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आता है हमारा छात्रों के लिए, उपयोगी, छात्रों के लिए क्या उपयोगी होता है। फिर आता है हमारा मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टि, मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना, उदार बनाना, ये हमारे इसके 9 क्षेत्र हैं। सामान्य क्षेत्र हम इसको इस तरह से समझे। फिर अगर हम जो हमारे इसमें ये कहा जाता है बेनी प्रसाद जी ने इन्हें क्षेत्र में नाम दिया तो सर्वप्रथम हमारा आता है स्वस्थ सामाजिक जीवन, यानी हम देखते हैं जब तक हम स्वस्थ रहेंगे कि नागरिक शास्त्र है वो जिसका अध्ययन करवाता है वो है हमारे सामाजिक जीवन के विकास के लिए जो उपयोगी होता है। नागरिक शास्त्र क्या करते हैं व्यक्ति में स्नेह सहानुभूति और सहयोग समाज सेवा कर्तव्य परायण इन गुणों को वो विकास करते हैं इन गुणों का, और जब हमारे देश में कहते हैं जब इन गुणों का विकास होगा तो हमारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। जब हम सभी इस भावना से कार्य करेंगे कहते ना कि अगर हम ये कहेंगे कि हम भी अच्छे से रहें और दूसरों को भी रहने दें, हम जब तक हम हमारे अंदर दया प्रेम सहानुभूति सहयोग इन अच्छे गुणों का अगर विकास होता है जिस तरीके से हमारे शरीर में हम एक पौष्टिक तत्व लेकर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं वही ये पौष्टिक तत्व हमारे समाज के लिए है। जब हम इन तत्वों को ग्रहण करेंगे तो हमारे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इसके लिए हम कह सकते हैं कि रहो और रहने दो, जिससे कि अगर हम इस तरह से प्रेम से रहेंगे तो हम सभी के लिए कहते हैं जो हम हमारे एक दूसरे के लिए हम कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं एक दूसरे के लिए जो हमारे द्वेष की भावना होती है या हम कहीं इन्हीं कारणों के से हमारे समाज में जो बुराइयां व्याप्त होती हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए हमें एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहिए। तो ये हमारे नागरिक शास्त्र की देन है, ये हमें सिखाती है कि हमें किस तरीके से एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा जन साधारण के लिए उपयोगी, जो हमारे किस तरह से नागरिक शास्त्र के अध्ययन में हम जो जन साधारण के लिए उपयोगी होता है वो कौन कौन सा होता है। पहला है हम क्या कहेंगे व्यक्ति तथा समाज के अंदर क्या होना चाहिए पारस्परिक संबंध होना चाहिए, व्यक्ति व समाज, व्यक्ति व समाज में
पारस्परिक संबंध होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहने चाहिए। ये हमारा जनसाधारण के लिए इसके ये हमारे पॉइंट है कि जनसाधारण के लिए हम किस तरीके से उपयोगी बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम है हमारा व्यक्ति व समाज में परस्पर संबंध स्थापित करके कि हम किस तरीके से जब हम इन दोनों में संबंध स्थापित होगा तो हमारे समाज का विकास होगा, एक उन्नत समाज का विकास होगा। ये दोनों जब एक साथ रहकर मिलकर चलेंगे व्यक्ति और हमारा समाज, कहते हैं ना व्यक्तियों के समुदाय से ही मिलकर क्या बनता है, समाज बनता है। तो जैसा हम समुदाय बनाएंगे उसी तरीके से हमारा विकास होता चला जाएगा। फिर सेकंड आता है हमारा सामाजिक चेतना के लिए विकास, सामाजिक चेतना के लिए विकास कि हम किस तरीके से हम इसके अंदर एक जागरूकता ला सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारे समाज में ऐसी भावना का हम विकास करें और वही हमारे नागरिक शास्त्र हमें ये उपयोगी बनाता है, ये सिखाता है हमें कि किस तरीके से हम व्यक्तियों में सहानुभूति, सहयोग और इनकी भावनाओं का, जब इन गुणों का हम इसमें विकास करते हैं तो विकास करने के साथ साथ हम सामाजिक तौर से हम उसको एक सजग बना देते हैं, उसमें एक चेतना का प्रसार करते हैं, जागरूक उसे बनाते हैं। तो इन्हीं गुणों के कारण हम उनके अंदर एक सामाजिक चेतना, जो हमारा कहते हैं ना कई बार समाज में जो परिवर्तन में देन होता है वो हमारी सामाजिक चेतना होती है, उसी सामाजिक चेतना का वो प्रसार करना चाहते हैं इन गुणों के माध्यम से, जिससे कि हम एक अच्छे और स्वस्थ समाज की हम स्थापना कर सके और उसमें रहने वाला प्रत्येक नागरिक कैसा हो, वो सजग हो, जागरूक हो, जिससे कि हमारे देश का निर्माण हो सके। फिर है हमारा राजनीतिक चेतना के विकास के लिए राजनीतिक चेतना के विकास के लिए जो हमारी राजनीति से संबंधित, कहते हैं ना कि ये हमारा जो नागरिक शास्त्र है वो हमारे राजनीतिक विज्ञान का ही एक हिस्सा है। तो उस नागरिक शास्त्र में जो जनसाधारण में राजनीतिक क्षेत्र के विकास के लिए ये बहुत उपयोगी होती है। जनता में जो हमारे वहाँ रहने वाली जनसाधारण जनता है उनके अंदर इस राजनीतिक प्रसार करने की अहम भूमिका हमारी नागरिक शास्त्र विषय का होता है। वो हमें इस देश की शासन व्यवस्था का हमें ज्ञान करवाता है, बताते हैं उस शासन व्यवस्था में जनता की कितनी अहम भूमिका है, या हम कहें कि जनता ही एक ऐसी होती है जो अपने शासक चुनती है और अपने कार्यों का निर्वाह करवाती है। अब आता है हमारा लास्ट तीसरा पॉइंट लोकतंत्र की सफलता के लिए। जो लोकतंत्र की हम सफलता के लिए, लोकतंत्र एक हमारे लिए, लोकतंत्र की सफलता हमारे लिए चुनौतीपूर्ण दायित्व है, जिसे प्रत्येक नागरिक क्या करते हैं, प्रत्येक नागरिक को सतर्कता पूर्वक उसे निभाना होता है, उसे इस तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए हमें कि जो राइट्स को मिले हुए हैं लोकतंत्र की प्रणाली में वो उनका सही उपयोग करे, ऐसा हमें नागरिक शास्त्र विषय के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। ये कहते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए हम जो गुणों का हमारे अंदर होना चाहिए एक सफल लोकतंत्र प्रणाली को अपनाने के लिए, या हम कहें उन प्रत्येक गुणों का हमें वर्णन करना चाहिए, या जनता को उस गुणों का या उन अधिकारों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए या उन्हें ज्ञान करवाना चाहिए, जिससे वो अपने जो समस्त अधिकार होते हैं वो उन्हें प्राप्त करें। अब चाहे वो उनका मत देने का अधिकार हो या कौन सा, जैसे कहते हैं ना कि जब तक उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा तो वो उनका अपना सही प्रयोग नहीं कर पाएंगी। फिर आता है हमारा सजग जनमत के निर्माण में सहायक, जो सजग यानी जागरूकता प्रदान करना, उसे जागरूक करना कि हमारी जो नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय है, हमारे देश में जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था है उसको बहुत महत्व देती है या हम भी उसे बहुत महत्व देते हैं। तो नागरिक शास्त्र देश की जो हमारी प्रमुख जो हमारी समस्याएं होती हैं नागरिक जीवन के सिद्धांत की, केवल हम उसके लिए उन्हें राजनीतिक जागरूकता भी प्रदान करते हैं, क्योंकि
क्योंकि इन्हीं जन राजनीतिक जागरूकता के कारण वो अपने देश के लिए एक सफल नेतृत्व करने वाला शासक चुनते हैं। तो उनके लिए ये सजग होना बहुत जरूरी होता है। जब तक वो स्वयं उन चीजों को नहीं जानेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो कहते हैं कि हमारा एक गलत निर्णय हमारे लिए हमेशा भारी हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पर है कि उन्हें जिन अधिकारों को दिया गया है उन अधिकारों के प्रति उन्हें सजग होना चाहिए, जिससे वो क्या करेंगे, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए वो एक जनमत के निर्माण के लिए एक अच्छा और नेतृत्वशाली शासक का वो चयन करेंगे। फिर है हमारी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्या, यानी कि हमारी जो समस्याएं होती हैं, राष्ट्रीय समस्या जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं होती हैं, हम ये कहें कि हमारी जो विज्ञान प्रौद्योगिक जो परेशानियां जो हमारी समस्याएं आती हैं, हमने इनके लिए इकाई एक अलग से क्षेत्र बना दिया। अब इनमें जो हम प्रत्येक जब हम इनके अंदर हमारी समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान होना हमें आवश्यक होता है। कई बार हमारे लिए कहते हैं ना, कई बार जो छोटा ज्ञान होता है, आज हमारे सिटी के क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति उसका ज्ञान रखे, उसे वो ज्ञान प्राप्त हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमने एक अलग से जो इकाई बनाई है, इसका भी हमारे देश में रहने वाले नागरिकों को इसका ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से हम हमारे देश में आने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा नागरिक साम्राज्यवाद है, वो उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्थाएं हैं, इनके संबंध में हमें क्या करती है, ज्ञान प्रदान करती है। और ज्ञान प्रदान करने के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं होती है और इनके साथ जो संबंधों का आधार होता है, वो उन समस्याओं से हमें वाकिफ करवाते हैं कि हमारी कौन सी समस्याएं हमारे देश की, किस देश से क्या समस्या जुड़ी रहती है, उन समस्याओं का हमारे पता चलता है, वो समस्याएं हमारे सामने आती है। फिर आता है नेतृत्व विकास के लिए, यानी कि जब डॉक्टर सफलतापूर्वक अगर कोई शासक उसे नहीं कर सकता है, वो कार्य पूर्ण रूप से नहीं होता है, तो जनता का जिस शासक को चुनना एक गलत डिसीजन हो जाता है, तो जनता का उस शासक को चुनने में जो अपनी भागीदारी होती है, अधिकांशतः वो भागीदारी उनकी गलत साबित होती है। तो ये कहते हैं कि हमारे उत्तरदायित्व का और नेतृत्व ऐसे इंसान को बनाना चाहिए जो उन समस्त उत्तरदायित्व का निर्वह कर सके और अनुशासन के महत्व को वो समझे, स्वयं भी समझे और उस अनुशासन के महत्व को वो समझाए। फिर है हमारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना, यानी कि ये हमारे नागरिक शास्त्र शिक्षक जो हमें ये सिखाती है किस तरीके से हमारे, जो मैंने अभी आपको यहाँ भी बताया कि किस तरीके से ये स्टार्ट होती है, परिवार से शुरू होती है और हमारे विश्व पर आकर खत्म होती है, यानी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक सदस्य को वो क्या मानते हैं, परिवार मानते हैं। तो इसी भावना के साथ, इन्हीं भावनाओं का संचार हमें हमारी ये विषय करवाती है। फिर आता है हमारा छात्रों के लिए उपयोगी, ये जो नागरिक शास्त्र का अध्ययन होता है ये छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि छात्र हमारे भावी राष्ट्र निर्माता है, यानी हमारे राष्ट्र का निर्माण कौन करेंगे, छात्र करेंगे, जो हमारे समाज सुधारक, हमारे जो आने वाले टाइम पे अर्थशास्त्री, यानी कि जो बनेंगे वो कौन बनेंगे, छात्र। तो इनके लिए इन चीजों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जो हम इस विषय के माध्यम से इन्हें इन सब चीजों का ज्ञान करवाते हैं। फिर है मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना, जो आज के टाइम पे हम जो हमारी भावना लेकर चलते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मानवीय गुण का प्रसार हमारा कौन करता है, नागरिक शास्त्र विषय, ये हमें उन समस्त जो मानवीय गुण, करुणा, दया, सहयोग की जो भावनाएं होती है मानव के अंदर, उन मानवीय गुणों का ये प्रसार करते हैं। इस शिक्षा के माध्यम से हम इनका आगे क्या करते हैं, इसका प्रसार होता है। तो ये हमारे नागरिक शास्त्र विषय के हमारे क्षेत्र थे, ये मैंने आपको आज 9 क्षेत्र बताए और मैंने सामान्य तौर पर भी आपको इसके क्षेत्र बताए कि किस तरीके से हमारी जो नागरिक शास्त्र शुरू होती है और कहां किस क्षेत्र पर जाकर वो खत्म होती है। धन्यवाद।